नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। किसान बिल के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक किसान नेता शिव सिंह ने बताया कि किसान बिल के विरोध में दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में 202वें दिन ग्राम बिहरा में किसान नेता तिनेत्र शुक्ला त्योथर के नेतृत्व में धरना दिया गया। धरने में कोविड-19 की नवीन गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इस धरने में प्रमुख रूप से रामायण सिंह, भरोसा पटेल, राजमण सिंह, वाल्मीकि सिंह, इंद्रभान सिंह, सुरेन सिंह, धीरेन सिंह, पिंटू द्विवेदी आदि उपस्थित रहे। वहीं धरने का संचालन किसान नेता रामजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह संखू ने किया। धरना दे रहे किसानों ने कहा कि मोदी हुकूमत चाहे जितने हथकंडे अपना ले, किसान अब पीछे हटने वाला नहीं है और बिल वापसी के बाद ही घर वापसी होगी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयान की निंदा की गई, जिसमें उन्होंने किसानों को मवाली गुंडा कहा था। इसके साथ ही दिल्ली, गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर से वापस लौटे किसान नेता, इनमें उमेश पटेल, अभिषेक कुमार पटेल, जयभान सिंह, बीरभान सिंह, रमेश सिंह, हरिशंकर पटेल, मनीष पटेल, अरुण पटेल, गोलू शामिल थे, जो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर में जारी किसान आंदोलन में शामिल हुए, रीवा पहुंचे। किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली आंदोलन में लगातार किसानों का काफिला बढ़ता जा रहा है और हम अपने हकों की लड़ाई जारी रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। भ्रष्ट सरकार हम किसानों की मांग को मान नहीं रही है। हम तीनों काले कानून वापस करने के बाद ये धरना समाप्त करेंगे। 8 महीने से सरकार दिल्ली में हमारे नेतागण सब आगे वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। ये 11 बार वार्ता किए, विफल वार्ता, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग तभी इस धरने को ख़त्म करेंगे जब तीनों काले कानून वापस लेंगे, MSP लागू करेंगे। MSP की कानूनी गारंटी दो। वापस लो, वापस लो, वापस लो।